महाशिवरात्रि के अवसर पर धर्मशाला के प्रसिद्ध अघंजर महादेव मंदिर में भारी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर से नीचे सड़क तक दिन भर लोगों की लंबी कतारें दर्शन के लिए लगी रही। विशेष पूजा अर्चना और कीर्तन के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी जवान तैनात किए गए थे। वहीं विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी नगरी में आज अंबिकेश्वर महादेव, लाल शिवालय, बिल्केश्वर महादेव और अन्य शिवालयों में भक्ति आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ आया। भक्तों ने भगवान शंकर की पूजा आराधना की और फलाहार का प्रसाद ग्रहण किया। स्थान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के लोग श्रद्धालु आते हैं और यहाँ आके जो है अपने भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं और उनकी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। हमारे भी भगवान शंकर से ही प्रार्थना कि इस जगत का कल्याण हो, जगत में सुख शांति रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, इसी के साथ हम सबकी कामना करते हैं। भोग भगवान शंकर महाराज की जय। उधर सुलह में जिला स्तरीय शिवरात्रि मेला अक्षयणा महादेव मंदिर में हर्षोल्लास से शुरू हो गया। मेले का शुभारंभ स्थानीय विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने किया। शिवरात्रि के महापर्व को लेकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु अक्षयणा महादेव मंदिर पहुंचे हैं। सुबह करीब 6 बजे से ही भक्त दर्शनों के लिए पहुँचना शुरू हो गए थे। इनके प्रयासों से, इनके सरकार के प्रयासों से हम सब उस दौर को भूलते हुए आज दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से अनुज शर्मा, ज्वालामुखी से शैलेश शर्मा और सुलह से साहिल कुमार की रिपोर्ट।